गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरुजी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए अजमेर रोड की मेन लोकेशन की टाउनशिप के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, जो कि मेन अजमेर रोड पे ही लोकेटेड है। जयसिंहपुरा जो आप देखेंगे, भागरोटा तिराया है, वो निकलते ही मेन रोड पे है टाउनशिप लोकेटेड है। आप देख सकते हैं इसके सामने ये डीकैथलॉन है और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप देखेंगे मेन रोड पे गाड़ियां चल रही हैं। मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे, जो कि जयपुर, अजमेर, बॉम्बे तक, चेन्नई तक जाता है। और आप देख सकते हैं ऑन रोड टाउनशिप है। टाउनशिप की जो एंट्री है वो भी ये कोठारी फार्म है सामने, ये डीकैथलॉन है सामने और ये मेन अजमेर रोड चल रहा है। मेन रोड के टाउनशिप है और ये इसकी एंट्री है 40 फीट की, आप देख सकते हैं 40 फीट की एंट्री है मेन। और ये जो टाउनशिप है ये लगभग 8 से 9 बीघा के आसपास की है अप्रॉक्सीमेटली। और इस टाउनशिप का ये रिजर्व रोड है 40 फीट का। इस टाउनशिप के अंदर लगभग 82 प्लॉट्स हैं, जिसमें से हम देखें तो लगभग 50 to 55 प्लॉट्स के सोल्ड आउट हैं। अभी इसको टाउनशिप को लॉन्च हुए मुश्किल से 15-1 दिन हुए हैं ओनली, उसमें इस तरीके की सेल है। और अभी यहाँ पे मुश्किल से 20-30 प्लॉट ही बचे होंगे, 30 लगभग, 30 में भी टी हैं, टेपर हैं। तो ओवरऑल जो किसी भी क्लाइंट को प्लॉट चाहिए वो इसके अंदर 20 से 22 ही प्लॉट होंगे केवल। और यहाँ जो प्लॉट की साइज़ है वो इस टाउनशिप के अंदर 166, 152, 189, 160 और 100 गज, ये इस टाउनशिप के अंदर मोटा मोटा साइज़ है। इसके ऊपर के भी हैं, 200 गज, 250 गज, 300 गज के भी हैं। और ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है ये खास क्यों हो जाती है, क्यों मैं इस टाउनशिप के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये टाउनशिप शायद जयपुर में इकलौती ऐसी टाउनशिप होगी जो कि गेटेड टाउनशिप के कॉन्सेप्ट में है, जिसमें आपको क्लब हाउस मिलेगा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, इंडोर जिम है, बैंक्वेट हॉल है, इंडोर बच्चों के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, टेरिस गार्डन है अलग से, मंदिर के लिए अलग से है स्पेस। आप देख सकते हैं ये पूरा बेसमेंट खुदरा है, जिसके अंदर जो भी क्लब हाउस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इस जो बेसमेंट खुदरा है ये पूरा खुदा हुआ है, यहाँ पे पानी की टंकी वगैरह और मंदिर वगैरह बनेंगे, जैसे कि आप यहाँ बोर्ड देख सकते हैं। ये बैंक्वेट हॉल है, क्लब हाउस है, इंडोर गेम्स हैं, स्विमिंग पूल है, सोलर प्लांट लगेगा पीछे छोटा सा, जिसके माध्यम से आसपास जो भी सूर्य ऊर्जा है उसके माध्यम से जो कॉमन यूटिलिटी है वो मेंटेन होंगी। LED लाइट, स्ट्रीट लाइट और इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह बेसिक तो है ही, CCTV कैमरा, 24/7 सिक्योरिटी, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो प्लॉट के सेगमेंट में इस तरीके की टाउनशिप बहुत ही कम मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप्स हैं इनमें या तो विला बनते हैं मोस्टली, और जो बिल्डर है विला से ज़्यादा बेटर बेनिफिट पाता है। बट ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये प्लॉट्स का ही काम करता है और प्लॉट्स की ही टाउनशिप को लॉन्च करता है, इसलिए इस ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी आपको नियर फ्यूचर रिटर्न मिलेगा। आप देख सकते हैं 15-20 दिन ही हुए हैं, प्रॉपर ब्लॉक बाउंड्री बनाई जा रही है, प्लॉट्स की मार्किंग की जा रही है और इंटरलॉकिंग टाइल्स का भी अभी काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं सारा काम इन प्रोसेस है। ये जो रोड है ये 40 फीट का है सामने वाला, जिससे हम लोगों ने एंट्री करी, और ये 30 फीट का रोड है सामने कम्प्लीटली। ये सीवरेज है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पहले से ही सुविधा दी हुई है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे कोने में बनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर 30 फीट का रोड भी काफ़ी चौड़ा रोड है और साइड में इन लोगों ने जो ये 3 से 4 फीट का स्पेस दिया है, इसमें आप अपने पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फुलवारी लगा सकते हैं और यहीं पे आप यहीं तक अपना स्लोप रखेंगे तो सिक्योर हो जाता है। इस टाउनशिप के अंदर आपको कोई भी, जैसे अभी ये पोल दिख रहे हैं ये सारे यहाँ से हटेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो अंडरग्राउंड रहेगी। साथ ही ये जो पर्टिकुलर टाउनशिप है इसमें से बीच में इन मिडल से 60 फीट का रोड निकल रहा है, जो कि नियर फ्यूचर आपको जयसिंहपुरा और अजमेर रोड की कनेक्टिविटी, एक एडिशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो टाउनशिप है ये काफ़ी ही अच्छी टाउनशिप है और मेन अजमेर रोड की टाउनशिप है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी टाउनशिप है
जो कि अजमेर रोड पे एक अच्छी लोकेशन पे अपना घर चाहते हैं, जो लोग महिंद्रा सेज में काम कर रहे हैं, या जो लोग अजमेर रोड पे देखेंगे आप, जैसे विद्युत नगर है, निर्माण नगर है, सी स्कीम है, चित्रकूट है, वैशाली का एरिया है, ये सारा ही पॉश एरिया है। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर वो ज़्यादातर मूव करते हैं अजमेर रोड की तरफ ही, तो विदन रिंग रोड आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप रेजिडेंशियल पर्पज से यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप रूट पे देखेंगे तो भागरोड़ा तिराए से लेके रिंग रोड तक या तो कॉमर्शियल होटल्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, या फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, या वेयर हाउस वगैरह हैं, इस तरह की टाउनशिप की लोकेशन की जगह नहीं है वहाँ पे उपलब्ध। तो ये पर्टिकुलर टाउनशिप बहुत अच्छी है, इसमें आप ले सकते हैं, इसमें आपको लोन भी मिल रहा है, और आप इसके अंदर इजी, ना कोई रजिस्ट्री का खर्चा है, ना किसी प्रकार का कमीशन का खर्चा है। ये बात है साथियों, तो आप में से जो भी साथी इस तरीके की लोकेशन में इंटरेस्टेड हो, उन्हें इस तरीके की प्रॉपर्टी पसंद हो, तो वो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और प्रॉपर मेरा तो एडवाइस पर्सनल है कि आप इसमें रेजिडेंस पर्पज से लें, क्योंकि अगले 2 साल के अंदर जैसे जैसे ये भागरोटा जो पुलिया है, या जो कमला नेहरू नगर वाली पुलिया है, या रामचंद्रपुरा वाली पुलिया है, इसका जैसे जैसे काम चलता बढ़ता जाएगा अगले 1.5 से 2 साल के अंदर, जब ये सारी पुलिया क्लियर हो जाएंगी, तो इस पर्टिकुलर टाउनशिप के रेट 60 से 65 हज़ार रुपये गज के हो जाएंगे। आप में से बहुत से साथियों का सवाल होगा कि 60 से 65 एकदम से कैसे हो जाएंगे सर, तो मेरा उसका जवाब ये है कि जो भी मार्केट के रेट होते हैं वो कभी भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन ज़मीन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं किस तरीके की लोकेलिटी है, किस तरीके के लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी हैं, तो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ती है। एक आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेन टोंक रोड पे जो सीताबाड़ी है, उसके अंदर एक टाउनशिप थी प्रीवियसली रॉयल एवेन्यू के नाम से, उस टाउनशिप के अंदर 59,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट था जो कि लॉन्च हुआ था, और इस वक्त वहाँ पे जो रीसेल हो रही है वो 90,000 रुपये गज में हो रही है, और लगभग उसको 2 ही साल हुए हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि कब कहाँ क्या रेट बढ़ जाए, क्योंकि सबको डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे अगर सप्लाई उपलब्ध नहीं है तो उसके रेट अपने आप बढ़ जाते हैं, तो वैसे ही ये जगह है। और उन टाउनशिप्स में 90,000 होते हुए भी वहाँ पे ना तो क्लब हाउस की कोई सुविधा है, स्विमिंग पूल नहीं है, जिमनेजियम भी नहीं है इनडोर, ऑडिटोरियम, इनडोर गेम्स वगैरह कोई भी कैसी भी सुविधा नहीं है। तो ये बहुत ही एडवांस सुविधा है, आप देख सकते हैं ये पूरा मेडिकल, और कुछ प्लस पॉइंट और मैं आपको बताऊं तो ये पूरा मेडिकल हब का एरिया है इस टाउनशिप के पीछे। ये पूरा जयसिंहपुरा का एरिया है, इसी जयसिंहपुरा वाले पार्ट में ही आती है टाउनशिप। ये पूरा मेडिकल हब का एरिया है जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और मेडिकल से संबंधित और सारी सुविधाएं डेवलप कर रही है राजस्थान सरकार, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट भी हो चुका है। अगर आप रिंग रोड की तरफ जाएंगे तो रिंग रोड पर पूरा कॉमर्शियल हब बन रहा है, आप देखेंगे वहाँ पर वेयर हाउस ही वेयर हाउस है, और होटल्स और अदर थिंग्स डेवलप हो रही हैं रिंग रोड के चारों तरफ। तो कॉमर्शियल हब से 1.5 किलोमीटर की दूरी मेडिकल हब में तो ये मौजूद ही है। यहाँ से 500 मीटर पे DPS है, सामने डीकैथलॉन है, जयश्री पेरीवाल, सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज, निमावत इंटरनेशनल, ये सारे स्कूल्स आपके नियर बाई हैं। और बेस्ट बात ये कि आप न्यू जयपुर और ओल्ड जयपुर की बाउंड्री पे मौजूद हैं, तो इसकी वजह से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि कभी भी आप चाहे न्यू जयपुर की फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहें, चाहे ओल्ड जयपुर की फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहें, आप दोनों ही सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मानसरोवर जो है वो भी 6-7 किलोमीटर ही है, वैशाली भी, चित्रकूट भी 6-7 किलोमीटर ही है, ये सारे एरिया बिल्कुल पास हैं। और अभी एलिवेटेड रोड की वजह से आप अगर जंक्शन जाना चाहें तो सीधा अजमेर रोड पर 200 फीट क्रॉस करें, राम सेतु वाला एलिवेटेड पुलिया पर चढ़ें और सीधा रेलवे स्टेशन उतर जाएं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से B2 बाईपास होते हुए सीधा आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत अच्छी टाउनशिप है। तो आप में से जो भी साथी इस टाउनशिप में इंटरेस्टेड हों, मेरे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल करें, क्वेरी करें, और निवेदन एक ही है कि जितनी जल्दी आप इस टाउनशिप को विजिट करेंगे आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इस टाउनशिप में आप एक अपना घर लेने के लिए जगह ले सकें। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे टाउनशिप में इन्वेंट्री और कम होती चली जाएगी, और हो सकता है कि जब आप आएँ, देखें, समझें और आपको पसंद आए तो फिर यही प्रॉपर्टी आपको रीसेल में मिले, जिसमें भी कि आपको रजिस्ट्री देनी पड़े, साथ ही आपको कमीशन भी चार्ज करेगा एजेंट। तो उससे अच्छा है कि आप पहले विजिट करें,
रजिस्ट्री फ्री प्रॉपर्टी पाएं, कमीशन फ्री प्रॉपर्टी पाएं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू पाएं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो अंत तक देखा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।